सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने से सिविल हवाई अड्डे का रास्ता अब साफ हो गया है। अब तक लिमिटेड हवाई जहाज उतर रहे हैं, लेकिन आगामी समय में सिविल एयरपोर्ट बनने पर उड़ान उतरने की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गए प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं, जिससे सिविल हवाई अड्डे का रास्ता साफ हो गया है। अब तक लिमिटेड हवाई जहाज उतर रहे हैं, लेकिन सिविल एयरपोर्ट बनने के बाद अनलिमिटेड उड़ान उतरने की संख्या बढ़ जाएगी। आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा का कहना है कि उड़ानों की संख्या बढ़ने पर पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो सिविल एयरपोर्ट्स पर जो बाधाएं लगी हुई थी, उसको आपत्तियां लगी हुई थी, उसको समाप्त कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इस पर हमारे जब सिविल एयरपोर्ट बन जाएगा तो इसमें चार चांद लगेंगे। क्यों लगेंगे चार चांद? इसके अंदर अभी तो हमारे पास लिमिटेड फ्लाइट्स आती हैं, फिर हम इन हमारे पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट जब होगा तो हमारे को दूसरे जो देशों से, दूसरे शहरों से जो मेट्रोपॉलियन सिटीज़ हैं उनके साथ भी हमारा जो आगरा जुड़ेगा, और फ्लाइट्स जब आगरा के अंदर आएंगी तो इससे हमारा पर्यटन उद्योग जो है बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा का कहना है कि आगरा पर्यटन स्थली होने के कारण देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। अब तक कम हवाई जहाज उतर रहे हैं, लेकिन सिविल एयरपोर्ट बनने के बाद पर्यटकों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। अधिक पर्यटक आएंगे तो पर्यटन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। आर्मी के एरिया से जब पर्यटन गुजरता है, टूरिस्ट जाता है, तो उसको एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। जब सिविल टर्मिनल बन जाएगा उसमें टूरिस्ट कभी भी किसी भी समय जा सकता है, अपनी फ्लाइट से एक घंटा दो घंटे पहले भी जाकर वहाँ पर आराम कर सकता है और वहाँ पर इंतज़ार कर सकता है फ्लाइट्स का। इससे सिविल टर्मिनल बन जाने से आगरा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पर्यटन उद्यमियों को भी इससे, इसमें कोई शक नहीं कि उसके अंदर जो है हमारा पर्यटन उद्योग को फायदा ना हो। सिविल एयरपोर्ट बनने के बाद आने जाने वाले पर्यटकों को और भी कई सुविधा मिलेंगी। इसके बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आम पर्यटक, आम जनता के साथ व्यवसाय से जुड़े लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।